डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ईपी साइक्लोइड, हाइपोसाइक्लोइड के काफी सारे साइक्लोइड के पूरे कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे देख चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ईपी साइक्लोइड एक देखा था जहां पे जनरेटिंग सर्किल और डायरेक्टिंग सर्किल दोनों का रेडियस क्या था, सेम था। आज इस क्वेश्चन में देखेंगे कि देखिए दोनों रेडियस यदि सेम हो जाए तो वहां पे हाइपोसाइक्लोइड नहीं बनेगा, क्योंकि हाइपोसाइक्लोइड क्या होता है, सर्कल के अंदर रोटेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंदर रोटेट होगा, अंदर रोटेट होने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो यहाँ पे आज डायरेक्टिंग सर्किल 50 है और जनरेटिंग सर्किल 25 है। तो यहाँ पे यदि आप थीटा निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 360 इंटू स्मॉल आर अपन कैपिटल आर, जनरेटिंग सर्किल रेडियस अपन डायरेक्टिंग सर्किल का रेडियस। तो ये 360 इंटू स्मॉल भाई कितना है, छोटा भाई अपन बड़ा भाई, ये कितना निकला 180 डिग्री। देखिए ठीक है, तो अब रेडियस कितना है 50। तो अब रेडियस जो 50 है, तो अब यहाँ पे कंपास से आप 50 ले लीजिए, ये जो है 50 यही हो गया आपका, ठीक है, और इतना ही 50 इधर भी होगा, मतलब ये 100 डायमीटर हो गया। अब यहां से जो है इसको हम हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है, आप मत मिटा देना, आप तो साइड में जब भी एग्जाम में निकालें जरूर इसको दिखाइएगा कि हाँ हमने जो है ये निकाला है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या ड्रॉ कर ले हम, डायरेक्टिंग सर्किल कितने का आया था बताइए, कितना आया था, ये 50 रेडियस लेकर के, 50 रेडियस लेकर के अब 180 डिग्री आया था, तो 180 डिग्री का हम डायरेक्टिंग सर्किल तो बना ही लें। देखिए ये हो गया हमारा डायरेक्टिंग सर्किल, ठीक है। अब जब डायरेक्टिंग सर्किल हो गया तो अब क्या था कि इसको अब बांटते थे 12 पार्ट्स में, लेकिन अभी बाद में बांटेंगे। अब हाइपोसाइक्लोइड है, क्या है, हाइपोसाइक्लोइड है, तो अब जनरेटिंग सर्किल कहाँ बनेगा, इसके अंदर ही, मतलब इसके मिड पॉइंट से ही बनेगा यहीं पे, ठीक है ना, इसके मिड पॉइंट पे बनेगा, इसके मिड पॉइंट पे बना दीजिए, क्या दिक्कत है, बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन हम लोग को तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो, हम तो क्या हिंट दे करके निकल जाएंगे, लेकिन आपको तो बनाना है पूरा का पूरा। देखिए ऐसा नहीं है कि आपसे ही गलती होती है, गलती हमसे भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन गलती एग्जाम में नहीं, जितना गलती बनाना है, जितना सही बनाना है, जो भी बनाना है, आप अभी बना करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में एग्जाम में तो गलती होना ही नहीं चाहिए, तो क्या मतलब निकला। अब ये क्या है गया सेंटर, अब इससे 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, तो ये लेंथ लेकर के इधर और इधर दोनों साइड कट कर दिए, इधर और इधर, फिर यही रख करके इस साइड और यहां रख करके इस साइड, अब इसको सेंटर से होकर के मिला दीजिए, देखिए यहां मिला दिए, यहां मिला दिए और ये यहां मिला दिए, इतना सारा काम तो कर सकते हैं। अब बच्चों का नामकरण कहां से शुरू करेंगे, यहां से, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गड़बड़ कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 7 छूट गया यहाँ पे, 7 8 9 ये 10 ये 11 ये 12, ठीक है। उसके बाद क्या बताए थे, ये तो सेंटर हो गया आपका, ये जो 180 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है ना, इसको भी तो 12 पार्ट्स में करेंगे, तो इट वुड बी मोर बेटर कि आप जो है प्रोटेक्टर यहाँ रखिए, 180 डिवाइडेड बाय कितना, 12 पार्ट्स में करना है, तो ये 15 डिग्री आ गया, देखिए ये 15 डिग्री पे इसको मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए जैसे कि हम करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है ना, और प्रोटेक्टर रखने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्टर रखें, देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टर इस रोलर इसके लिए बना हुआ है, यदि आपके पास बड़ा वाला प्रोटेक्टर है तो बहुत अच्छी बात है, ये 15 डिग्री पे मार्क कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये देखिए ये 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। ठीक है, ये 1 से चल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 हो गए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करते थे बताइए, इसको अब सभी पॉइंट से आर्क लेते थे, ठीक ना, ये सभी पॉइंट से यहां से, अब ये 8 और यही सेंटर तो यही रहेगा, ये 8 और 6 से लीजिएगा तो यहीं पे आएगा, ठीक ना। फिर उसी तरह से देखिए आप सामने निकालते जाते हैं एक एक, ये 9 और 5 इसी में आएगा, ये 4 और 10, फिर ये 11 और 3, फिर ये 12 और 2, ठीक है, और एक आएगा आपका सेंटर वाला, सेंटर वाला थोड़ा सा डार्क दिखाइएगा, इसीलिए हम भी यहाँ पे इसको ब्लैक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। ये देखिए ये सेंटर वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद क्या बताए थे, कंपास। उसके बाद आप देखिएगा ये C1 हो गया, C1, फिर ये C2, ये C3, यहाँ C4, ये C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 और ये C1। अब ध्यान दीजिएगा, इस कंपास में फिर क्या रखना था अपने को, यही रेडियस रखना है अपने को, ये चीज रख लिए कहाँ पे, कंपास पे। C1 पे आप रखेंगे तो C1 ही कट करेगा, C2 पे आप रख कर कट करेंगे तो आपको ये 2 वाले लाइन को कट करना है, देखिए 2 वाले 12 और 2, इसको जब कट करेंगे तो कहाँ कट करेंगे, देखिएगा यही कट करेगा। C3 पे रखिएगा यदि आप, तो देखिएगा तो यही कट करेगा। 4 पे ये 4 वाले को कट करना है, 5 पे रखकर ये 5 वाला कौन सा लाइन है, देखिए यही है ना 5 वाली लाइन, ठीक है ना, ये 5 पे रख करके 5 वाले को, 6 पे रखकर 6 वाले को, 6 कहाँ गया, ये 6 और 8 इस वाले को ही कट करना है। 7 पे रखकर 7 कहाँ गया, 7 तो यहीं पे आ जाएगा, फिर 8 पे रखिएगा तो 8 कहाँ गया, 6 और 8 इसी को कट करेगा। 9 यहाँ पे रख करके 9 वाले कट कीजिएगा, ये 9 पे आ जाएगा। 10 पे रख करके 10, 11 पे, 12, इसका मतलब इसको जहां भी आप कट करेंगे तो सब इसी पे क्रॉस कर रहा होगा आपका, ये स्ट्रेट लाइन पे ही पूरा का पूरा क्रॉस कर रहा होगा, और जब आप बनाएंगे ये स्ट्रेट लाइन पे ही ये सारे पॉइंट्स मिल रहे होंगे, पूरे के पूरे जो 12 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, P1 P2 P3, ये आपको P1 मिला, P2 मिला, P3 मिला, P4 मिला, P5 मिला, P6 मिला, P7, ये P8, P9, ये P10, P11, P12, P1। देखिए ये सारे पॉइंट जो है आपको इसी पे मिला कि नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ये ध्यान रखना था थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा ईपी सॉरी हाइपोसाइक्लॉइड। ये कर्व कौन सा बना, हाइपोसाइक्लॉइड। अब दोस्त यही हाइपोसाइक्लॉइड बना, इसी सर्किल को हम यदि बाहर बना देते यहाँ पे, ठीक ना, और तब इसको हम जो है 12 पार्ट्स में करके इसको ले जाते, ठीक ना, तो जो कर्व मिलता वो हमारा ईपी साइक्लॉइड हो जाता। तो देखिए ये परमिटेशन कम्बिनेशन वाली बात है कि कहीं भी कुछ भी दे, आपको बनाना है ईपी साइक्लॉइड या हाइपोसाइक्लॉइड, प्रोसेस पूरा का पूरा वही रहेगा। जो भी हम लोग 3 4 5 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने देखा, 4 क्वेश्चन आई थिंक देखे, तो इसको आप बनाइएगा। यहाँ पे आप देखिए हाइपो ईपी साइक्लॉइड बना सकते हैं जस्ट इसी के ऊपर, देयर इज नो डिफरेंस। तो क्या कर्व आएगा, फिर एक सेम रेडियस वाला बताए थे, फिर ये आर 25 या आर 50 की जगह पे 100 हो सकता है, 75 हो सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको
बनाने हैं, और ये सारे क्वेश्चन आसान है, सिर्फ जरूरत है थोड़ा सा प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करेंगे तो दो फायदा होगा, एक तो आप सीखेंगे और दूसरा ये कर्व आपको याद रहेगा कि किस तरह का क्वेश्चन था तो किस तरह का कर्व बनता था, तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आएगा तो आप स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे। नहीं तो कई बार बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो ये ऊपर नीचे आ जाता है टेढ़ा मेढ़ा, तो बच्चे भी मिला देते हैं उसी तरह से, उनको लगता है कि अच्छा ये आ रहा है। नहीं, आप जब प्रैक्टिस किए रहेंगे पहले से तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है ऊपर रहेगा, और आप चीजों को समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे, फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, इसमें स्पाइरल बचा हुआ है तो स्पाइरल बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में लेकिन बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सदा मुस्कुराते रहिए।